असम में सरकारी स्कूल के शिक्षकों के बाद अब कॉलेज के शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड का नोटिस जारी किया है। अब से कॉलेज के शिक्षक भी अपनी इच्छानुसार कैजुअल कपड़े पहनकर नहीं जा पाएंगे। शिक्षकों के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने फॉर्मल पोशाक पहनना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षक फॉर्मल शर्ट पैंट धोती पजामा पहनकर कॉलेज जा सकेंगे। वहीं कॉलेज में टी शर्ट जीन्स पोलो जैसे कैजुअल पोशाक पहनने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह शिक्षिकाओं के लिए भी ड्रेस कोड जारी किया गया है। उन्हें सलवार सूट मेखला चादर और अन्य पारंपरिक पोशाक पहनने की अनुमति होगी। शिक्षिकाओं को जीन्स टी शर्ट लेगिंग्स जैसे कपड़े पहनकर कॉलेज जाने की अनुमति नहीं होगी। दरअसल बजाली के निर्मल हालोई कॉलेज में चूड़ीदार विवाद के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने ड्रेस कोड जारी किया है। तो अब स्कूली शिक्षकों के बाद कॉलेज के शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने यह ड्रेस कोड जारी किया है और जो नोटिस जारी किया गया है उसके मुताबिक अब से कॉलेज के शिक्षक भी अपनी इच्छानुसार कैजुअल ड्रेस पहनकर कॉलेज नहीं जा पाएंगे। शिक्षकों के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने फॉर्मल पोशाक पहनना अनिवार्य कर दिया है। यानी शिक्षक फॉर्मल शर्ट पैंट धोती पजामा पहनकर कॉलेज जा सकेंगे। वहीं कॉलेज में टी शर्ट जीन्स पोलो जैसे कैजुअल पोशाक पहनने की अनुमति अब से नहीं होगी। और इसी तरह शिक्षिकाओं के लिए भी ड्रेस कोड जारी किया गया है। शिक्षिकाओं को सलवार सूट मेखला चादर और अन्य पारंपरिक पोशाक पहनने की अनुमति होगी। शिक्षिकाओं को जीन्स टी शर्ट लेगिंग्स जैसे कपड़े पहनकर कॉलेज जाने की अनुमति नहीं होगी। बजाली के निर्मल हालोई कॉलेज में चूड़ीदार को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने यह ताज़ा नोटिस जारी किया है और ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है।